सलीम और मेरे चैनल का नाम है ज़िंदगी के ज़ायके। मैं इसमें आपको मज़े मज़े के खाने बनाने, बेहतरीन टिप्स, घर को संवारने के तौर तरीके और मुख्तलिफ चीज़ें वक्त के साथ बताती चली जाऊँगी, जिससे आप इस्तेमाल करके बना के अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं और ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे बड़ी टेंशन हमारी यही होती है कि आज क्या पकेगा। अब आज से ये टेंशन आपकी टेंशन मेरी टेंशन, आप मेरी रेसिपी को फॉलो करें और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। मेरे जो मसाले होंगे वो बिल्कुल घर के घरेलू मसाले, बिल्कुल नॉर्मल मसाले होंगे और उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जो घर पर मौजूद ना हो। जो और खाने भी ऐसे होंगे जो बिल्कुल आसान और सिंपल, आप उसको रोज़ाना अपने लंच में, डिनर में, जिस टाइम एनी टाइम आप जब चाहें बना के उसको इंजॉय कर सकते हैं। चलिए तो मैं अब अपनी रेसिपी शुरू करती हूँ। आज जो मैं बना रही हूँ वो है लौकी गोश्त, क्योंकि गोश्त अक्सर हड्डी वाला और चर्बी वाला होता है। अगर उसको हम लौकी में बनाएं तो बहुत मज़े का होता है। और मैं इसे थोड़ा शोरबे वाला बनाऊंगी क्योंकि मेरे घर में थोड़ा शोरबा ज़्यादा इस्तेमाल होता है। डिपेंड करता है, आप चाहें तो उसे भुना हुआ भी कर सकती हैं, लेकिन शोरबे वाले में ज़्यादा फ़ायदा भी है और ज़ायका भी है। तो चलें मैं मसाले बताती हूँ। इसके लिए मुझे चाहिए, सबसे पहले मैंने ये 3 अदर टमाटर लेकर उसको पीस लिया है। उसके बाद मैंने 3 अदर प्याज भी लिया है, इसको भी पीस लिया है। ये है भुना हुआ पिसा हुआ जीरा। ये मैंने पिसा, बिल्कुल बारीक नहीं पिसा है, थोड़ा कूटा है। इसका जायका बहुत अच्छा होता है सालन में। ये है हल्दी, ये है काली मिर्च, ये भी मैंने कूटा है इसे, पिसा हुआ धनिया, गरम मसाला पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक, ये लहसुन अदरक का पेस्ट है। देखिए ये लहसुन अदरक जो है ना, मुझे 1 हफ़्ता हो गया, मैंने 1 हफ़्ता पहले पीसा था। आप इसका कलर देखें, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल फ्रेश है, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा है कि मैं आपको टिप्स भी देती जाऊंगी। तो ये लहसुन अदरक को पीसते वक्त इसमें अगर हम 2 चम्मच ऑयल मिला दें, कुकिंग ऑयल, और कोई सभी जो आप यूज़ करती हैं, चाहे जैतून हो, चाहे पकवान हो, कोई भी अगर इसका मिला कर अगर पीसते हैं ना, तो इसका कलर ख़राब नहीं होता 15 दिन तक, ये बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। ये है 1/2 किलो लौकी, इसको मैंने, देखिए इसको भी मैंने 1 हफ़्ता पहले ख़रीदा था, लेकिन अभी तक ये बिल्कुल ताज़ा है, फ्रेश है। देखिए क्योंकि मैंने इसको जब ख़रीदा था इसको वॉश किए बगैर मैंने थैली में ही पैक करके इसको फ्रिज में रख दिया था, बॉक्स में। तो ये 1 हफ़्ते तक फ्रेश रहते हैं। जब आपको इस्तेमाल करना हो निकाल के और वॉश करने के बाद आप इसको काट लें। ये देखिए 1/2 किलो लौकी है, इसको इस तरह क्यूब्स में काट लीजिए। इसके बाद गोश्त, ये हड्डी वाला गोश्त, शोरबे वाला सालन ज़्यादातर हड्डी वाले गोश्त में ज़्यादा मज़े का बनता है, और इसीलिए मैंने ये हड्डी वाला 1 किलो गोश्त लिया है। चलें अब अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाह पढ़ के मैं अपनी कुकिंग को स्टार्ट करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कुकिंग पसंद आएगी। और अगर कुछ समझ में ना आए तो आप उससे पूछ सकते हैं। खाने का काम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं पतीली चढ़ा दूँगी, इसके अंदर मैं बन रही हूँ। अब मैं इसके अंदर ऑयल डालूँगी। ऑयल जो है आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, मैं थोड़ा ही डालूँगी क्योंकि हड्डी वाला गोश्त है, तो ऑलरेडी हड्डी वाले गोश्त में क्योंकि रोगन होता है, इसीलिए मैं थोड़ा तेल कम डालूंगी, बाकी आपकी मर्जी। ये पिसी हुई प्याज जो मैंने बताया था 3 अदद है, इसे मैं मसाला में इसलिए डाल रही हूँ ताकि शोरबा जो है वो बहुत अच्छा बनेगा, बेहतरीन। जैसे फटाफटा सा होता है, अजीब सा, तो वैसा नहीं होगा, स्मूथ होगा और इसके शोरबे में जायका भी होगा। मेरा तेल थोड़ा गर्म हो गया है, तो अब मैं इसके अंदर प्याज डाल रही हूँ। प्याज डालने के बाद मैं थोड़ा इंतजार करूँगी, थोड़ा उसको फ्राई करूँगी ताकि प्याज का जो कच्चा बने वो खत्म हो। आप चाहें तो प्याज और टमाटर दोनों साथ भी मिला के पीस सकते हैं, और पीस कर दोनों साथ मिला के भी इसमें डाल सकते हैं अपनी आसानी के लिए, वक्त के हिसाब से, क्योंकि मुझे आपको बताना था ताकि आप देर में समझ जाएँ, तो फिर मैंने इसी वजह से अलग अलग इन दोनों को पीसा है। ना आप एक साथ ब्लेंडर में डालें और दोनों को पीसें और फटाफट बस तेल डालें, गोभी डालें, मसाले डालें, फटाफट 1/2 घंटे में आपका सालन तैयार। इसलिए प्याज थोड़ी फ्राई हो रही है, साथ ही मैं टमाटर भी डालूंगी ताकि
ताकि टमाटर का भी कच्चापन खत्म हो जाए और टमाटर भी प्याज के साथ साथ फ्राई हो जाए। शोरबे वाला सालन जो होता है वो हजम जल्दी हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि गर्मी बहुत शदीद हो रही है, तो अगर आप शोरबे वाला सालन बनाएंगे और शोरबे में सब्जी डाल के बनाएंगे और खुशन लौकी है, टिंडा है, ये सब सब्जियां जो है बहुत फायदेमंद होती है पेट के लिए हमारे। एक तो हजम भी हो जाएंगी और ताकतवर भी, और बच्चे खाते भी नहीं है लौकी वगैरह, बच्चे कहाँ खाते हैं। अगर हम इसे गोश्त में डाल के बना दें तो कम से कम शोरबे में और लौकी की ताकत आ जाएगी ना। मैं तो ये सोचती हूँ कि रोटी खाए ना खाए लेकिन रोटी तो पेट भर के खाए ना। इसको और भी भून सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं गोश्त डाल के और जब गोश्त गल जाएगा फिर इसकी सही से भुनाई होगी लौकी डालने से पहले। ये मैं गोश्त डाल रही हूँ इसके अंदर। अब गोश्त डाल के मैं थोड़ा सा फ्राई और करूँगी, ठीक है ना। उसके बाद मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट मिलाऊंगी। ये मैंने इसके अंदर 2 चम्मच भर के डाल दिया, क्योंकि गोश्त है, गोश्त को हजम करना बहुत ज़रूरी है, तो यूरिक एसिड का मसला भी बहुत होता है गोश्त से, इसी वजह से मैं लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ, अदरक और लहसुन दोनों। इसको साथ साथ मैं तमाम मसाले डाल देती हूँ इसके अंदर। किसी भी लाल मिर्च मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ भर के, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा मसाला तेज़ी खाते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं। किसी भी धनिया 2 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, बाकी ये मसाले जो हैं भुना हुआ जीरा और गरम मसाला ये हम डालेंगे आखिर में। नमक हसबे जायका मैं 1.5 चम्मच डाल रही हूँ। अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे फिर इसमें पानी डाल के गोश्त गलने के लिए हम छोड़ देंगे। कम से कम 35 मिनट तो लगेंगे गोश्त को गलने में। हड्डी वाला गोश्त है तो हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा भी लग जाए, आप देख लीजिएगा, डिपेंड करता है कि आपका गोश्त कौन सा है। आप यही रेसिपी चिकन में भी बना सकते हैं, मैं अक्सर चिकन में भी बनाती हूँ। मसाले सारे डाल चुकी हूँ मैं और 10 मिनट मुझे हो गए हैं भूनते हुए। 10 मिनट और भूनूंगी और उसके बाद इसको पानी डाल के गलने के लिए छोड़ दूंगी। अभी तो हम थोड़ा भून रहे हैं ताकि ये मसाले का कच्चापन खत्म हो जाए और गोश्त के जो पानी होता है जो हम तेल में डालते थे वो निकलता है, ताकि वो थोड़ा सूख जाए, क्योंकि उससे जो स्मेल ज़्यादा हो गई। ये मेरा गोश्त जो है भुनाकर हुए, अब मैं पानी डालूंगी। पानी का तकरीबन 2 गिलास डाल दिया मैं अंदाज से, आप देख लीजिएगा, क्योंकि आपका गोश्त पे डिपेंड करता है, जैसा मैंने कहा कि बकरे का है या चिकन का है, उसी हिसाब से पानी डालिएगा। मेरे हिसाब से इतना पानी काफी होगा मेरे गोश्त के जो मैंने चढ़ा, और मैं इसको डिपेंड करके 30 मिनट के लिए गलने के लिए छोड़ूंगा। जब ये गल जाएगा तो उसमें भुनाई करके फिर हम लौकी डाल के भुनाई थोड़ा सा करेंगे, फिर शोरबा डालेंगे इसके अंदर, और बाकी मसाले ये हम बिल्कुल आखिर में डालेंगे जब बिल्कुल डन हो जाएगा। ठीक है, 30 मिनट्स हो चुके हैं, अब मैं अपने गोश्त को चेक करती हूँ कि कितना डन हुआ है, उसके बाद फिर मैं लौकी और शोरबे का इंतजाम करूँगा।
भुनाई पर आ चुका है, पानी सूख चुका है इसका, और मैं गोश्त को भी चेक कर लेती हूँ छुरी की नोक से। देखा गल गया ये हमारा गोश्त, हम इसको चेक कर लें क्योंकि हड्डी वाला गोश्त है ना तो गलना बहुत ज़रूरी है, नहीं गलेगा तो ज़ाहिर है इतना मज़े का नहीं लगेगा। अब देखें इसकी शक्ल, देखें भुनाई पर भी आ रहा है, पानी सूख रहा है इसका, हमें थोड़ा सा एक दो हाथ बस इसकी भुनाई करेंगे। इसके साथ ही मैं इसमें लौकी ऐड कर दूँगी, लौकी भी डालने के बाद ही मैं थोड़ी सी भुनाई करूँगी, पानी फ़ौरन नहीं डालूँगी। ये लौकी जो आधा किलो मैंने लिया था मैंने ये डाल दिया, चूल्हा मैंने तेज कर दिया है, अब थोड़ा लौकी के साथ इसको भुनाई करेंगे गोश्त को, ताकि लौकी का पानी जो है वो भी थोड़ा सा सूख जाए। बहुत आसान रेसिपी है और रोज़ की रूटीन में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए बिरयानी, कोरमा, निहारी, ये सब तो हर कोई बताता है और ये तो दावतों के आइटम है, हर रोज़ हम इसे खा नहीं सकते, लेकिन रोज़ के रूटीन के जो खाने हैं ना सबसे बड़ी टेंशन ये होगी। तो ये मेरे चैनल पे आपको रोज़ के रूटीन के खाने मिलेंगे जो मैं रोज़ाना अपने घर में बनाती हूँ। 10 मिनट हो गए मुझे लौकी डाल के भूनते हुए, थोड़ा और मैं एक दो भाग डाल दूँ, जितना भुना हुआ मसाला होता है उतना जायकेदार होता है असल में, इसीलिए मैं इसको भूनी, क्योंकि मैंने प्याज कच्ची डाली है ना, कच्चे प्याज है, कच्चे टमाटर है, इसी वजह से मैं ना उसे भुनाई कर रही हूँ। तकरीबन इसका भुनाई का काम करके हो चुका है, अब मैं थोड़ा सा पानी डाल के उसको शोरबा लगा के और आपको गलने के लिए छोड़ूंगी 10 मिनट के लिए। शोरबा आपकी मर्जी है, आप जितना पत्ता सालन खाना चाह रहे हैं आप अपना शोरबा इसमें लगा सकते हैं। मैंने इसमें शोरबा लगाया, उसके बाद मैं इसमें चेक कर लूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब उसके बाद जो है मैं इसको थोड़ा सा हरा धनिया डाल के धनिया मैं भी इसलिए डाल दूँ, थोड़ा सा शोरबा डाल के गोश्त है, शोरबा में जायका आना चाहिए ना, फिर मैं थोड़ा सा हरा धनिया डाला, बाकी जो चीज़ें गर्म मसाला है, जीरा है, काली मिर्च है, ये अभी नहीं डाल रही, क्योंकि थोड़ा डालने से कलर थोड़ा चेंज होता है, थोड़ा काला काला सा होता है, इसलिए मैं इसे आखिर में डालूंगी ताकि खाने के साथ साथ खुशबू के साथ साथ जायके के साथ साथ कलर भी अच्छा लगे। अब मैं इस लौकी को गलने के लिए छोड़ दूँ थोड़ी देर के लिए। लौकी डाले हुए 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे खोल कर देखते हैं कि हमारी लौकी गली है। ये शक्ल देखें आप, कितनी शानदार शक्ल लग रही है ना, खूबसूरत कलर आ रहा है इसका। लौकी चेक कर लें, ये देखें लौकी हमारी डन हो चुकी है, मर्जी है आप चाहें तो और भी गला सकते हैं, लेकिन मैं इतना ही गलाऊंगी। इस स्टेज पे जो है मैं थोड़ा सी हरा धनिया के साथ जो है ना ये भी डाल दे रही हूँ, हरी मिर्च, क्योंकि कोई ज़्यादा तेज़ मिर्चें खाते हैं ना तो वो अपनी मर्ज़ी से हरी मिर्च को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो बाकी मसाले बचे थे अब मैं उसे डालती हूँ, ये गरम मसाला पाउडर, ये बिल्कुल थोड़ा सा पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, बस आधी चमची। खुशबू और जायके की। अब ये है हमारा भुना हुआ कुटा हुआ जीरा जो मैंने आपको बताया था, ये थोड़ा ज़्यादा डालेंगे हम, 1.5 चम्मच। ये है ब्लैक पेपर, इसको मैंने घर पे ही क्रश किया ना, ये मैं डालूंगी आधी चम्मच बस। अब इस सब मसालों को डालने के बाद थोड़ा सा हिलाएं, थोड़ा सा हरा धनिया डाल दें, थोड़ा हरा धनिया मैं ऊपर के लिए रखूंगी गार्निश के लिए। 5 मिनट के लिए सिर्फ हम इसे दम देंगे, ताकि जो मैंने अभी मसाले ऐड किया है, जीरा, काली मिर्च, गरम मसाला, उसके जो खुशबू है वो उसके अंदर आ जाए। इसको हम ढककर करेंगे। सफाई का ख्याल रखें, मैं जब भी कोई कुकिंग करती हूँ तो अपने कुकिंग में साफ 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 करती रहती हूँ चीज़ों को। अब मैं आपको 5 मिनट के बाद डिश आउट करके दिखाऊंगी। 5 मिनट हो चुके हैं हमारे सालन में, अब मैं इसका चूल्हा बंद करके और डिश आउट करके दिखाऊंगी। ये देखिए आप इसका कलर देखिए, इतना खूबसूरत कलर आया।
रहा है, ये जब मैं डिश आउट करूँगी तो अब आप देख ही लेंगे। आप शक्ल देख रहे हैं, ये खूबसूरत शक्ल है ना, जब शक्ल इतनी अच्छी होगी तो खाने को खुद ब खुद दिल जाएगा। मेरे घर में गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा है, सब्ज़ी नहीं पसंद करते, तो मैं इसी तरह गोश्त में डाल के सब्ज़ी इंजॉय करती हूँ। बहुत आसान रेसिपी है, इसको ट्राई करें और आपको ज़रूर पसंद आएगा। आप भी खाएँ, अपने घर वालों को भी खिलाएँ। अब इसमें हरा धनिया डालूँ, तेल कितना कम डाला था ना, हड्डी वाला गोश्त है ना, इसलिए तेल इसमें इतना ज्यादा है। देखिए अब मेरा लौकी गोश्त तैयार हो चुका है। ज़िंदगी के जायके में आज आपने लौकी गोश्त बनाना सीखा, आप इसे बनाएं और इसको आप रोटी से, चावल से, जिस तरह चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों में ही बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ सलाद या चटनी बना लें, बेहतरीन जायका मिलेगा आपको और आप इसको याद करेंगे। एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा और मुझे याद कीजिएगा। इसको बनाइए, इसको ट्राई कीजिए और अपने घर पर इंजॉय कीजिए। अगर कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं और आप इसको रोटी चावल दोनों चीज़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह चाहें इसको एंजॉय करें। लौकी गोश्त को आप बनाएं, इसको एंजॉय करें, अपने प्यारों को खिलाएं। मेरे चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा, इसको शेयर करें अपने प्यारों से के साथ, इसको शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने प्यारों से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कुछ पसंद, अगर समझ ना आए तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। इसके साथ ही शायसा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।